आज हम मौजूद हैं गुजरांवाला से दो दफा एमपीए मुंतखब होने वाले तौफीक अहमद भट्ट साहब के घर। उनसे जानेंगे कि इलेक्शंस के डेज में उनकी क्या रूटीन चल रही है और उनका लाइफस्टाइल कैसा है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर सियासत से शुरू करते हैं, सबसे पहले तो ये बताएं कि सियासत का आगाज कहां से किया। जी सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि उर्दू पॉइंट का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मेरे पास तशरीफ लाए, मुझे इज्जत बख्शी, तो मैं वेलकम करता हूं आपको दिल की गहराइयों से। और उसके बाद जो आपका सवाल है उसकी तरफ आता हूं कि सियासत का आगाज़ तो शायद मैं अमली सियासत में तकरीबन जब मैंने काउंसिल का इलेक्शन लड़ा तब मैं सियासत में आया था, मगर मेरी ज़िंदगी का एक बड़ा ना एक अनोखा सा एक वाक्य है कि सियासत में तो तब मैं आ गया था जब मेरी उम्र 6-7 साल की थी। वो कैसे? आप हैरान होंगे मेरी बात कि एक 6-7 साल का बच्चा हाँ जी मैं था और मैं साइकिल पे जा रहा था तो मेरे साइकिल मेरी किसी बंदे को लग गई, तो उस बंदे ने मुझे पकड़ लिया और साइकिल भी पकड़ ली। तो साइकिल वो छोड़ नहीं रहा था तो मैं उसको बता रहा था कि मेरे वालिद साहब का ये नाम है, साथ हाँ। वाली गली में हम रहते हैं। तो मेरे वालिद साहब को वो जानता नहीं था। अच्छा। तो फिर मैंने एक मेरे अंकल हैं चाचू हैं जफर इकबाल डार उनका नाम है, मैंने उनका नाम लिया तो वो इलेक्शन लड़ते थे उस वक्त। अच्छा। तो उसने कहा अच्छा अच्छा तू जफर डार का भतीजा है, उन्होंने कहा चल जा साइकिल ला जा। तो 6-7 साल का जब मैं था तो मुझे ये अंदाजा हुआ कि जो लोग इलेक्शन लड़ते हैं जो सियासत में होते हैं उनकी बड़ी इज्जत होती है। हाँ। तो उस वक्त मैंने सोचा था कि मैं सियासत में आऊंगा। फिर मैं काउंसलर का इलेक्शन लड़ा, वो काउंसलर का इलेक्शन मैं जीत गया भारी सरिये से। फिर नाजम का इलेक्शन लड़ा, उस वक्त रेफरेंडम हो रहा था इसका जन्म शरों का अमरीत का दौर था, तो हम बड़ा जद्दोजहद करते थे, तहरीक निजात में गिरफ्तार हो गए। इस तरह की जद्दोजहद करते करते फिर मैंने नाजम का इलेक्शन लड़ा, वो उस वक्त फिर मैंने ज़िला काउंसिल का इलेक्शन लड़ा, फिर उसके बाद मैं दोबारा फिर इलेक्शन लड़ा, फिर मैं अपोजिशन लीडर बन गया ज़िला असम्बली में। तो इस तरह चलता रहा, बीच में फैसलाबाद जेल में नज़रबंद हो गए, फिर तहरीक निजात में गिरफ्तार हो गए, बड़े उतार चढ़ाव बड़े ज़िंदगी में आए। तो फिर अल्लाह का शुक्र फजल और करम से फिर एमपीए बन गया। हाँ, सियासत का शौक मतलब आपको बचपन से था। से मेरा ज़हन में था कि सियासत करनी है। तो फिर मियां नवाशी साहब और कायदीन की मेहरबानी उन्होंने मुझे टिकट दिया तो मैं काम। सर आप नून लीग में हैं, क्या शुरू से ही नून लीग में हैं या बीच में कहीं पार्टी बदली थी आपने? नहीं नहीं, नहीं मैं शुरू से ही मियां नवाशी का जो होता है ना एक जुनून, मैं एक जुनूनी कारकुन हूँ। जैसे इश्क नहीं को करता किसी अपने लीडर से, इस तरह का मेरा कोई सिलसिला है। अच्छा। आम लोगों का इस तरह का नहीं होता, जो गुजरांवाला के लोग हैं उनको भी पता है और मेरे जो कायदीन हैं उनको भी पता है, सबको पता है कि ये हमारा एक बड़ा जानसार साथी है। मेरा तो ख्याल पहले यही था कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाया है और मुस्लिम लीग ही ऐसी नजरियाती जमात है जो पाकिस्तान को तरक्की की सड़क पे चढ़ाएगी। उसका अमली नमूना जो हमारे कायद मियां नवाज शरीफ साहब मिसाल मौजूद है। सर गुजरांवाला की आवाम ने आप पे भरोसा किया, दो दफा गुजरांवाला से एमपीए भी मुंतखब हुए हैं, आपने गुजरांवाला के लिए क्या किया? हाँ बड़ा अच्छा सवाल है। जब पहली दफा मैं 2013 में मुंतखब हुआ तो उस वक्त हमारा जो इलाका जो मुझे मिला था वो खंडर नुमा इलाका था, गंदा नाला चलता था, इसमें कोई सड़क नहीं थी, कोई रोड नहीं थे, कोई बल्कि हाई स्कूल बच्चियों के नहीं थे, बहुत ज्यादा मतलब मसाइल ज्यादा जो इलाका रहा वो था मुझे मिला। आप देखते चले आगे, मैं मुस्लिम लीग नून के लिए भी साथ साथ अपनी जमात के लिए भी काम करता रहा और मैं पूरा दिन 5 साल जो हुकूमत के थे पूरा दिन मैं अपना ऑन ड्यूटी रहता था, लोगों के मसाइल हल करने के लिए असम्बली में बात करता था और असम्बली में अपना आवाम की आवाज उठाता रहा। यही वजह थी कि जब मैं लोगों के साथ रबते में रहा, जब लोगों के निचली सतह तक लोगों के साथ जुड़ा हुआ था, तो अगली दफा मुझे पहली दफा मुझे मिले 38,000 वोट। हाँ। जब दूसरी दफा मैं खड़ा हुआ, आपको पता है सारा उस वक्त बड़ा हमारे नून लीग के हालात खराब थे, एस्टेब्लिशमेंट भी हमारे खिलाफ थी, सब कुछ ये लाडला था ये चेयरमैन पीटीआई जो है। उसके बावजूद मुझे पिछली दफा से 10-11,500 वोट ज्यादा मिले। वो मेरी जो आपका सवाल है उसका देखे जवाब तो यही होता है ना, अगर आपने कुछ किया हो तो फिर अगली दफा लोग आपको वोट देते हैं
अगर 10,000 ज्यादा देते हैं तो इसका मतलब है मैंने काम सही किया था। सर 10 साल से तकरीबन आप हुकूमत में रहे, 2 दफा आप एमपीए मुंतखब हुए, आप गुजरांवाला में यूनिवर्सिटी नहीं बनवा सके, आपकी नजर में उसकी क्या वजह है? ऐसी क्या वजह थी कि अब तक हम गुजरांवाला में कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या गुजरांवाला को कोई यूनिवर्सिटी ही नहीं दे पाए? नहीं नहीं, गुजरांवाला को यूनिवर्सिटी के लिए काबिल की है, हमने बहुत ज्यादा की है, और ये भी अल्हम्दुलिल्लाह ये बात आपकी इस हद तक दुरुस्त है कि लेट हुए हैं, मतलब पहले बननी चाहिए थी यूनिवर्सिटी। बिल्कुल, जब मैं एमपीए मुंतखब हुआ पहली दफा, उस वक्त भी हम काविशें करते रहे हैं, हमारे कायदीन सारे कहते रहे हैं, मगर उन 5 सालों में हम वो कागजी कार्रवाई चलती रही। जब अगली दफा इमरान खान की 4 साल हुकूमत रही, 4 साल दौर में हमें तो बिल्कुल बेबस किया गया था, हम एमपीए मुंतखब हुए थे मगर हमें एमपीए का वो जो इस्तेहकाक होता है वो नहीं था। मगर हमने फिर जब हमजा शहबाज साहब की हुकूमत आई महीना डेढ़ माह, तो असम्बली में मैंने खड़े होकर तमाम गुजरांवाला के हम बोला मैं था, मगर तमाम गुजरांवाला के एमपीए मेरे साथ इकट्ठे थे, और हमने ये आवाज़ उठाई थी कि फौरी तौर पर वजीर आला साहब हमें यूनिवर्सिटी दी जाए, गुजरांवाला यूनिवर्सिटी। उस वक्त फिर हमजा शहबाज ने असम्बली में खड़े होकर कहा था कि आपकी यूनिवर्सिटी में मंजूर करता हूँ, मंजूर हुई लेकिन अब तक बन नहीं पाई सर। ये बनेगी ना, अब जगह भी नाम हो गई है यूनिवर्सिटी के, और अल्हम्दुलिल्लाह वो पैसे भी आ गए, अब बनेगी। अब आपको 1 साल के अंदर अंदर बल्कि उससे भी जल्दी ये इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी गुजरांवाला होगी, और उसका मुस्लिम लीग नून को क्रेडिट होगा उसका सर जरूर। लेकिन सर जिस तरह तालीम जरूरी है, इस तरह सफरी सहूलियात शहरियों को फराहम करना बहुत जरूरी है। आपको नहीं लगता कि शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का होना बहुत जरूरी है? इधर ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक इशू है कि हमारी जो है ना गुंजान आबादी है, हमारा गुंजावाला सिटी जो है ना वो बहुत बड़ी आबादी है, और बाजार है इसमें बहुत ज्यादा, तो इसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिस तरह आप फरमा रही है वो फिजिबल मेरा ख्याल नहीं होगा, इसलिए मतलब तो क्या गुजरांवाला की आवाम को रिक्शों पर ही सफर करना पड़ेगा सारी? नहीं, कोई तजवीज कोई ना कोई आपकी आपने दी है ना, तो हाँ। मैं इंशाल्लाह गौर करता हूँ, आगे बात बचाऊंगा। इलेक्शंस आ गए हैं और जल्द इलेक्शंस होंगे, पूरा मुल्क में माहौल बनेगा इलेक्शंस का, क्या प्लानिंग चल रही है आपकी गुजरांवाला में दोबारा से वजारत जाहिर से बात है लेने के लिए आप पूरी कोशिश करेंगे? नहीं, मैं वजारत का उम्मीदवार नहीं हूँ। पहले मुझे कई लोग पूछते हैं कि भट्ट साहब आपको, मैंने कहा नहीं मैं वजारत का बिल्कुल उम्मीदवार नहीं हूँ, मैं इतने में राजी हूँ, इतने में खुश हूँ लोगों की आवाम की खिदमत। जब वजीर बनता है ना बंदा, फिर आवाम के साथ थोड़ा डिस्कनेक्ट हो जाता है। जब वजीर जो बंदा वजीर बनने की ख्वाहिश रखता है ना, वो उसकी अपनी अपने प्रोटोकॉल की बात होती है, वो कहता है मैं प्रोटोकॉल लूज ज्यादा मेरी और बड़े और बड़े, मगर मैं चाहता हूँ कि मैं आवाम की खिदमत जैसे कर रहा हूँ उसी तरह अवाम की खिदमत करता रहूं। वजारतों वजूरतों का मुझे ना शौक है ना उम्मीदवार हूँ। अब छोड़ें आप ये सवाल, जो आप काफी कर रही हैं, आप नाश्ते की तरफ चलें। जी जरूर, थोड़ा सा टाइम नाश्ते को देते हैं। जरूर सर, सियासत में कमाई वमाई है ज्यादा बाकी की निस्बत? सियासत में कमाई होती नहीं है, करनी पड़ती है। लोग कहते हैं कि करप्शन होती है, आप जैसे आप सवाल करना चाहते हैं। जी जी, तो वो मैंने आपको बताऊं, करप्शन के लिए जरूरी नहीं है सियासत में आए आप। एक थानेदार भी कर सकता है, एक मीटर रीडर भी कर सकता है, एक स्कूल टीचर हेडमास्टर भी कर सकता है। अगर उसको अल्लाह का खौफ नहीं है, उसने करप्शन करनी है, हराम हलाल की तमीज नहीं है, तो उसके लिए सियासत में आना जरूरी नहीं है। कोई भी शोभा हो उसमें आपने अपने जमीर को ही मारना है ना, जमीर को मुर्दा कर ले तो हराम कमा ले, बाकी जितने महकमे हैं उनको बात नहीं करता। सियासतदान जो है ना इबादत है, इबादत है बहुत बड़ी सियासत। मेरे से हजरत अली का कौल है कि दुनिया का खुशकिस्मत इंसान वो है जिससे कोई तवक्का व्यवस्था करे, तो मेरे से तो मुझे पता नहीं इस टेलीफोन पे हजारों लोगों ने तवक्का व्यवस्था की होती है। हमें तो ये नहीं किसी ने कहना आओ भट्ट साहब उधर आओ तो कोई अपना सी दे दिए इलेक्शन है तो खर्च कर लो, ये कोई नहीं कहता। आपके ऊपर गुजरांवाला में इस तरह के कोई भी इस तरह के केसेस वगैरह नहीं होंगे फिर तो? नहीं, कोई भी नहीं है, सारे झूठे ही होते हैं। दहशतगर्दी के मुकदमे मेरे पे हैं। अच्छा, नैब की इंक्वायरियां भुगत चुका हूँ, एंटी करप्शन की इंक्वायरियां भुगत चुका हूँ, हमारे बच्चों को बीवी को बहनों के नोटिस हमें मिले हुए हैं, भुगत चुका हूँ। ये जो इस वक्त फितना साहब अंदर है ना, इन्होंने 4 साल और कुछ भी नहीं किया। इन्होंने कहा जो नवाज शरीफ का साथी है ना उसको उल्टा लटका दो। हमारी बर्दाश्त सब्र का सिला हमें अब मिल रहा है, अब देख ले ये अपने अंजाम को पहुंच चुका है और हम इंशाल्लाह ताला क्लीन स्वीप है। सर अपने रोज की मसरूफियात के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं कि डेली आप ऑफिस जाते हैं, क्या रूटीन होती है आपकी? जी, मैं ना
अपने पूरे दिन की आपको बताता हूँ। सुबह मैं उठता हूँ और थोड़ी सी वॉक शॉक चाहे इधर अपने बाहर रोड पे कर लूं, मुख्तलिफ जगह मैं चेंज करके ना वॉक करता हूँ डेली, तो पार्क में भी चला जाता हूँ, उधर बड़े लोग दोस्त मिलते हैं आपस में, गप्पे शप्पे ये वो, सुबह ये माहौल हो जाता है। उसके बाद मैं घर आता हूँ, घर आकर थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट करता हूँ, नाश्ता करता हूँ, फिर अपना मेरा अपने शेड्यूल है कि मैं अपने ऑफिस में जाता हूँ, उधर लोग इकट्ठे होते हैं, काफी आए होते हैं, उनको पता है इसने इस वक्त आना है, फिर उनके जो मसले मसाइल होते हैं सारे, घंटा दो घंटे उधर बैठता हूँ, अपने ऑफिस में ड्यूटी देता हूँ पूरी, सब लोगों से रबते में रहता हूँ। फिर उसके बाद मैं जब घर आता हूँ, घर आकर मैं सीधा, मेरा पोता और पोती है वो एक घंटा डेढ़ घंटा उनके साथ, फिर गप्पे बेटे के साथ, वो छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनके साथ मैं खेलता खुलता हूँ थोड़ा एंजॉयमेंट। तो कोई भी बंदा मेरे से रब्ता कर सकता है, मोबाइल मेरा ऑन रहता है, कोई पता नहीं होता इस सारी शेड्यूल के दरमियान मुझे कोई भी बंदा फोन करके मिल लेता है, कोई भी बंदा मुझे कहता है आप मेरे साथ फलानी जगह चलो फलानी, मैं चला जाता हूँ। एक डेढ़ घंटा मैं इसको भी देता हूँ सोशल मीडिया को भी, अच्छा मैं खुद देखता हूँ सोशल मीडिया जो लड़के बनाते हैं ना उसको, मैं रीचेक करके फिर उसको अपलोड करता हूँ। अच्छा टिकटॉक पे भी मैं हूँ। अभी ये मुझे कॉल आ रही थी ऑफिस से, तो मेरा ख्याल है आप मेरे साथ ऑफिस चलें, जरूर उधर लोग जो मसले मसाइल होंगे वो आप मेरे साथ बैठ के थोड़ी बहुत आपसे भी सिफारिश करा लेंगे काम के लिए। जी जी चलें। क्या आप डेली खुद ही गाड़ी ड्राइव करके जाते हैं? हाँ मैं खुद ही चलाता हूँ। अच्छा। और इसलिए चलाता हूँ खुद के, मुझे ना ड्राइवर पे इतना ज्यादा इत्माद नहीं होता, तेज चला लेता है। अच्छा। मैं खुद ही चलाता हूँ। सर अभी हम जा रहे हैं आपके पार्टी ऑफिस, वहाँ पर हम आपके जो टीम के लोग हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे, तो क्या आप रोजाना की बुनियाद पर जाते हैं वहाँ पर या कभी कभी? लोग नहीं, मेरे वो जो लोग कामों काजों के लिए आए होते हैं ना मेरे पास, दोस्तों के जो मसले मसाल होंगे इलाके को, उनको देखेंगे सुनेंगे फिर उनका हल करेंगे। चलते हैं सर। जी शुक्रिया। सर यहाँ पर जो लोग अपने मसाइल लेकर आते हैं उनके मसाइल का हल निकाला जाता है? हाँ जी, कोशिश की जाती है ईमानदारी के साथ, नेक नीति के साथ कोशिश करता हूँ और अक्सरियत कामयाबी मिलती है। बल्कि मैं अगर ये कहूँ कि ये जो लोग इधर आए हैं ना, ये सारे हमारे भाई खुद वर्कर हैं, सबका मेरे साथ कनेक्ट है। ये इनमें से तीन चार तो पाँच ऐसे बंदे हैं जो काउंसलर हैं, चेयरमैन हैं, ये भी साथ आते हैं, फिर इनका मैं टेलीफोन कर देता हूँ, ये खुद चल जाते हैं दफ्तरों में। ये एक टीम है हमारी पूरे इलाके में जो बड़े अच्छे तरीके से हम इसको अपनी टीम को चला रहे हैं। सर इलेक्शन आने वाले हैं, अब दोबारा से तैयारियां इलेक्शंस की, जाहिर सी बात है होंगी, कभी पीटीआई की तरफ से टिकट की ऑफर हुई है या कभी ऐसा नहीं हुआ? पीटीआई वालों ने मुझे कभी जुरत नहीं की। अच्छा। जुरत नहीं है मुझे ये ऑफर कर सके, क्योंकि मुस्लिम लीग नून का मैं कारकुन हूँ और बड़ा जज्बाती और नजरियाती और जुनूनी कारकुन, मुझे तो कभी जिंदगी में वोट मांगने की भी जरूरत नहीं थी किसी। हाँ। जब मैं काउंसलर था उस वक्त बल्दियाती इलेक्शन में काउंसलर बनता हुआ, उस वक्त भी मुझे किसी ने मुझे वोट नहीं मांगा था दूसरी पार्टी ने। मैं अपनी वालदा के घर आपको लेके चलूंगा। आप आए तो ये मेरी वालदा है, अम्मी मेरी, रोजाना मैं इधर आता हूँ, जब भी मुझे पूरे दिन में टाइम मिलता है इनकी दुआओं के सदके ही सारा कुछ चल रहा है। ये सारा निज़ाम जो आपको थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है, रिस्पेक्ट इज्जत यहाँ कोई अहदे शहदे, ये सारे इनकी दुआओं के सदके ही है। भाई साहब जिंदगी का कितना हिस्सा आपका इस गली में, इस मोहल्ले में और इस घर में गुजरा है? मैं उस वक्त समझ लें मैट्रिक में था जब इधर घर ये बनाया था, ये एक कनाल का घर है तो मेरे वाला साहब ने बनाया था, तो मैट्रिक के बाद समझ लें कितने साल गुजर गए हैं, दो साल हुए हैं अभी उधर मेरे बेटों ने बनाया घर, उसके उससे सारे साल इधर ही रहे हैं। आप माँ जी क्या कहना चाहेंगी सर के लिए? मेरा बेटा बहुत अच्छा है, सुबह मेरा रोज पता आन के लिंदा है। हाँ। मेरा ख्याल रखता है, मेरी दुआवां इधर नाल ने